कि 390 वाले या फिर जिसके पास निंजा 300 है, R3 है, वो उसको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं? एग्जॉस्ट नोट नहीं सुना है तो चलो पहले इसको आपको RS457 का एग्जॉस्ट नोट सुना लेते हैं, क्योंकि भाई ये है ट्विन सिलेंडर। चलो ले दे के अपने गाड़ी ले भी ली तो सर्विस कराने में काफी पंगे होने वाले हैं और इसको गाड़ी को लेके कहीं बाहर जाने में स्पेयर पार्ट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ऑलराइट गाइस, तो स्वागत है आपका CID के नए एपिसोड में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं एप्रिला RS457 वर्सेस तो फाइनली ये है ड्यूक 390, जो कि काफ़ी चर्चे पे है कि ड्यूक 390 लें या RS457 लें। तो आज बात करने वाले हम इस चैनल पे कि भाई दोनों में से कौन सी गाड़ी ली जाए, और अगर आपके पास ड्यूक 390 या RC390 है तो क्या अपग्रेड करना सही रहेगा इस बाइक पे कि नहीं। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, बाइक या बाकी सब बढ़िया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारे साथ है वत्सल भाई, तो वत्सल भाई का भी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, काफी दिनों बाद आ रहे हो। काफी क्लोज टू एक महीने बाद भाई साहब, एक महीने बाद, और इनकी जीनोसा तो वैसे ही आ चुकी है और साथ में हम लोग हंगामा मचाने वाले हैं। बट बात ये नहीं है, आज वीडियो का टॉपिक है कि ड्यूक 390 या फिर RS457, तुम्हारा क्या ओपिनियन है लेने में? अगर मान लो तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तुम सोच रहे हो कि कोई गाड़ी लूँ 5 लाख के अंदर, तो क्या लेना चाहो? अगर बजट वाइज जाना है मेरे को तो, अगर 5 लाख है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर पैलेट ट्विन, क्योंकि मेरे को परफॉर्मेंस मेन है। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो सिंगल सिलेंडर कहीं ना कहीं पीछे रहता ही रह जाएगा, और मैं हूँ उनमें से जो भगाता है टॉप एंड तक। तो डेफिनेटली टॉकिंग टॉप एंड में अगर बात करें तो ड्यूक में विंडास बहुत ज्यादा आने वाला है, और अप्रैल का तो भाई आप बताओ। तो भाई रेसिंग है, फेयरिंग है, तो आप हाई स्पीड ऑटोमेटिक जा ही सकते हो मजे के साथ। दूसरा क्वेश्चन, क्या अगर किसी के पास है 390 चाहे RC हो या ड्यूक, तो वो लेना सही रहेगा, मतलब स्विच करना सही रहेगा RS457 से, क्या लगता है तुम्हें? देखो डेफिनेटली वहां पे बात आ जाएगी फिर से बजट की। अगर हाँ बजट है तो ड्यूक भी ऐसा नहीं है कि पावर में कहीं पे पीछे रहेगी या लैग देने वाली, मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, और इनिशियल में तो दोनों उतने ही है, ये टॉप एंड में ज्यादा जाएगा डेफिनेटली। तो अगर आप इस चीज के लिए, जैसे अगर प्राइस की ही बात कर लें तो ड्यूक 390 लगभग कितने की पड़ रही है? 3.5 लाख। 3.5 लाख एक्स शोरूम मिलने वाली है, 3.5 लाख की पड़ रही है एक्स शोरूम। और RC भी आएगा CC के आस, हाँ सिमिलर ही चल रहा है थोड़ा, क्योंकि GP एडिशन है तो उसमें शायद 10-12 हजार रुपए एक्स्ट्रा है, बट उसमें आई गेस क्विक शिफ्टर पहले से आपको, हाँ स्टैंडर्ड क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा, लॉन्च कंट्रोल मिलेगा, और इवन इसमें लॉन्च कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। हाँ ये है कि भाई इसमें लॉन्च कंट्रोल नहीं है और क्विक शिफ्टर इसमें एडिशनल है, तो मोटा मोटा देखा जाए तो 3.5 लाख में RC वगैरह मिल जाएगी, और यही एसेसरीज डाल के ये आपको 5.5 लाख तक की पड़ सकती है, तो मतलब 2 लाख का डिफरेंस है। तो ये है कि स्विच अगर करना है 390 से तो आई गेस इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं ना कहीं फिर वो पीछे वो होगी। सही बात है। और फिर लुक्स, अगर आपको लुक्स चाहिए लाइक काफी की ड्रीम बाइक होती है कि फेयर बाइक लेनी है, हमें नेकेड पे नहीं जाना है, तो उस हिसाब से बिल्कुल इसके साथ जा सकते हो। और क्योंकि 600 CC सेगमेंट में भी काफी ओवर प्राइस हो जाती है सुपर बाइक, 4R ही मेरे ख्याल से 11-12 लाख पड़ रही है ना, 600 CC में डेटोना भी डिसकंटिन्यू, और शायद नई वाली जो आई है वो उतनी अच्छी लग नहीं रही है, और अभी शायद आई भी अंडर पावर कर दी गई, अभी इंडिया में लॉन्च भी नहीं, अभी लॉन्च भी नहीं है। तो भाई हमारे पास कोई है ही नहीं रीजन कोई और बाइक लेने का, तो उस चीज पे ये है। अब बात कर लिया जाए परफॉर्मेंस की, तो एज अ स्टॉक तो ड्यूक 390 कितना, 43 BHP, 43.3 के आस क्लोज को करते हैं, और ये देखा जाए ये 47-48 BHP फुल सिस्टम एग्जॉस्ट मॉडिफाई ये सब करा के आप इसको क्लोज टू 50 BHP के आसपास लेके जा सकते हो। तो ये हो गया परफॉर्मेंस। ब्रेकिंग की बात की जाए दोनों में सेम थी, 20mm रोटर डिस्क है, और पीछे का देखा जाएगा तो इसमें उसके मुकाबले कम है, इसमें 230 रहता है और GT वगैरह में भी 230 रहता है, इसमें 220 है। तो जैसे हमारे ओनर भाई हैं हमारे आदित्य भाई, उन्होंने भी बताया कि पिछले ब्रेक्स में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी है, बट ठीक है पिछले ब्रेक से तो ज्यादा गाड़ी रुकती नहीं है, फ्रंट से ही रुकना है। जो ड्यूक का जो बाइट है वो मेरे को कहीं ना कहीं ज्यादा एग्रेसिव लगते हैं कंपैरेटिवली। मुझे भी, मैंने जब ये चलाया ना तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था BS3 वाला जो वेरिएंट था ना, वो ड्यूक हो चाहे RC हो वो अलग ही पंच देता, अलग ही गाड़ी फेंक रहा था। बट ये है कि इसका तो मेरे ख्याल से RPM ही लंबा है, तो आपको मिड रेंज और टॉप रेंज और टॉप लेवल में ज्यादा पावर फील मिलेगी। और इसमें मेरे ख्याल से स्प्रॉकेट टीथ बड़े रहते हैं, छोटे रहते हैं, मतलब 43 से स्टार्ट रहता है, तो इसे इनिशियल पावर सही आएगा। तो भाई देखो बातचीत तो बहुत हो गई, अपन ने एग्जॉस्ट नोट नहीं सुना है, तो चलो पहले इसको आपको RS457 का एग्जॉस्ट नोट सुना लेते हैं, क्योंकि भाई ये है ट्विन सिलेंडर, 5.5 लाख में क्विक शिफ्टर के साथ आपको ट्विन सिलेंडर भी मिल रहा है, ये भी मत भूलो, रिफाइनमेंट मिलेगा। तो पहले RS457 का सुनते हैं। बिल्कुल बेसी भी है, स्मूथ है, काफी अच्छा साउंड है, मतलब यमहा का इंजन R1 क्रॉस प्लेन जैसा साउंड कर रहा है। अब इसी पे बात करते हैं ड्यूक का साउंड कैसा आ रहा है, देखते हैं ड्यूक हमारी इसका स्टॉक एग्जॉस्ट कैसा है।
ये हमारे कनिष्ठ भाई की बाइक है, लो सुन लो भाई। सिंगल सिलेंडर साउंड है इसमें। कनिष्ठ भाई ने जब फुल सिस्टम लगाया था ना, काफी लाउड हो गई थी। ठीक है, थोड़ा मतलब इस बाइक में हम नहीं सोच सकते, इसको स्लिप ऑन तक खेल सकते हैं, बट लेकिन अगर इसमें जब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगेगा ना, तो ये साउंड लगभग यमहा का क्रॉस प्लेन इंजन या डुकाटी जैसा वॉइस आवाज रहेगी इसकी, जो कि काफी अच्छी प्रीमियम रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि हर कोई अप्रिला नहीं ले पाएगा, क्योंकि हर जगह ही अवेलेबल नहीं होगी। अगर शोरूम्स की बात कर लें तो यूपी यूपी में मेरे को लगता है सिर्फ एक शोरूम है। अच्छा, पूरे यूपी में? हाँ, शायद से एक है, मैं कंफर्म नहीं हुआ इस, लेकिन वो भी लखनऊ में नहीं है। अच्छा, लखनऊ में भी नहीं है? अच्छा, यूपी में तो आएगा ही नहीं दिल्ली, फिर यूपी में तो शोरूम है ही नहीं। है ही नहीं, तो भाई वही है मेन। तो अगर आप चलो ले दे के आपने गाड़ी ले भी ली, तो सर्विस कराने में काफी पंगे होने वाले हैं, और इसको गाड़ी को लेके कहीं बाहर जाने स्पेयर पार्ट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे। और बाकी ये है कि चलो मेड इन इंडिया है, तो चलो आपको सस्ता मिल जाएगा इसका सामान, ज्यादा महंगा नहीं है, ओवर प्राइस नहीं है, बट वही पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत कम रहेगी। तो इस गाड़ी का कई सारे डिमेरिट्स यही है कि आप छोटी छोटी जगह ये मिलेगी नहीं, प्लस आप इसको राइड करना अभी इस टाइम तो फिलहाल शोरूम्स है नहीं, अब बात की जाए। लेकिन हाँ, इसमें शायद KTM छपरी वाला जो टैग होता है, ब्रांड इमेज जो है वो अप्रिला डेफिनेटली इटालियन मशीन है, काफी अच्छी ब्रांड इमेज है। KTM एज पर बाइक देखा जाए उसका इंजन काफी अच्छा, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, बट इंडिया में एक जो सैडली टैग लग गया है, दैट इज अ छपरी। क्योंकि यार देखो, KTM तो बहुत तगड़ी बाइक बनाते हैं, KTM की यही गलती है, बहुत तगड़ी बाइक बनाता है, बहुत कम प्राइस में देता है, इसलिए काफी लोग लेते हैं, तो इसको ऐसा टैग बन गया है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज KTM भी ऐसा नहीं है, बहुत तगड़ा है, क्योंकि KTM ये हर जगह, कहीं लद्दाख भी ले जाओ, कहीं भी रिमोट एरिया ले जाओ, आपको इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, चीपर कॉस्ट में भी मिल जाएगा, तो ये काफी प्लस पॉइंट रहता है। इवन मैकेनिक्स, हाँ, अब इतना टाइम हो चुका है इस ब्रांड को, यहाँ पे मैकेनिक्स इजीली बाइक को रिपेयर कर सकते हैं कहीं भी, इस तरह पर इसको तो डर जाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, ये बात तो है। आप चलो बात करी जाए इंजन के बारे में, तो ये तो जैसे भाई ट्विन सिलेंडर है और ये सिंगल सिलेंडर है। दोनों गाड़ी मैंने भी चलाई है, अभी इसको ज्यादा हाई लेवल पे तो चलाया नहीं है, फिर भी रिफाइनमेंट मुझे सिटी में समझ में आ गया था कि काफी अच्छी है, और ये हमारी सिंगल सिलेंडर में आ जाती है। और बाकी डिफरेंस तुमने तो अच्छे से दोनों चला लिए लगभग, तो क्या क्या चेंजेस होंगे? इनिशियल्स में जो चेंजेस हैं, लाइक जितने ज्यादा सिलेंडर बढ़ जाएंगे उतना ही कम इनिशियल हो जाएगा, सिंगल सिलेंडर हमेशा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इनिशियल्स में, तो इनिशियल में को इसका कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, बट फिर जब एक RPM क्रॉस होता है ना 3000-4000, उसके बाद ये एक शूट देती है, वो ड्यूक में आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम देखा जाए 0-100 लगभग नेक टू नेक चलेगी, 0-100 के बाद टॉप एंड में शायद आपको दिक्कत आने वाली है। पुलिस आ गई गाइस, ऊपर बत्ती जल रही, भागो। मैं भाग रहा हूँ, ये पुलिस जब जब आती है ये भाग जाता है इंसान। तो यही है देखो परफॉर्मेंस वाइज, वैसे परफॉर्मेंस के लिए तो बहुत जल्दी हमारे चैनल में और वत्सल भाई के चैनल में आने वाला है एक ड्रैग रेस वीडियो। तो यही थी एक मस्ती मजाक वाला वीडियो, क्या आपको लेना चाहिए। तो आखिरी क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन पे जाया जाए कि 390 वाले या फिर जिसके पास निंजा 300 है, R3 है, वो उसको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं? देखो, अगर उन्हें बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस लगेगा कि इनहांस होने वाली है, ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, तो डेफिनेटली वो उसके लिए उन्हें इनलाइन 4 जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में मिड सेगमेंट में बाइक कोई भी नहीं है इस टाइम पे जो प्राइस पॉइंट पे। अगर यही प्राइस ये क्विक शिफ्टर के साथ दे देते तो थोड़ा जज कर सकते थे कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि 530 तक आई गेस, फिर इससे अच्छा बंदा 650 तक में Xenosa उठा सकता है, सेकंड हैंड मिल जाएगी है ना, या फिर सिबिया 650 थोड़ा 700,000 तक स्ट्रेच करके ले सकता है। बाकी अगर आप नए हो, बिगनर हो और लेना चाह रहे हो मतलब 150cc 200cc के बाद, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, और यही चीज अपने इंडिया के लिए सही है ना। सुपर बाइक भी इंडिया के लिए उतना है नहीं, क्योंकि आपको ऐसी रोड हर जगह नहीं मिलेगी है ना। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वत्सल भाई, मजा आया आपके साथ बात करने में, अब बहुत जल्दी हम लोग का ड्रैग रेस वीडियो भी आने वाला है सेम बाइक के ऊपर, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।